इस लड़के को जानते बहुत तगड़ा माता सुधा जी स्वागत नहीं करोगे सो है गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज पिछला कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने आपसे पूछा था कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट किया कि SKS वुड पिकर डेजर्ट ईगल ये सबसे वन टैप कैसे मारे। तो वही गाइज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ कि आप लोग कैसे मार सकते हैं वन टैप। सो गाइज इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा था और स्मूथ में खेलने पे भी हेड ये सब नहीं लग रहा था ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा था। और गाइज मैं बोल देता हूँ कि इस पर मेरा वन टैप पे सिर्फ आप फोकस कीजिएगा और मेरा जो मूवमेंट स्पीड है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था और टच भी काम नहीं कर रहा आजकल। रन वाला जो बटन है वो क्लिक ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं वन टैप मार के रन वाला बटन ही क्लिक नहीं कर पा रहा था, तो इसको इग्नोर कीजिएगा गाइज। तो चलिए बिना और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आपके लिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज परफेक्टली वन टैप मारने के लिए सबसे पहले आपको एनिमी को स्पॉट करना होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने एनिमी को स्पॉट कर लिया है। गाइज एनिमी को स्पॉट करने के बाद आपको गन को इक्विप करना है और उस बंदे पे एम आपको लॉक कर लेना है। एम लॉक करने का मतलब गाइज आप लोग इस बंदे को देख सकते हो तो इस पे जो रेड मार्क आ जाता है ना उस पे एम लगाने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं एम लॉक। तो आपको ऐसे ही एम को लॉक कर लेना है और उसके बाद अगर वो बंदा स्टेबल खड़ा है तो आपको सीधा इस प्रकार से ड्रैग कर देना है। तो सीधा आप ऐसे ड्रैग करोगे, स्टेबल खड़ा रहेगा अगर बंदा तो सीधा हेड लग जाएगा। अगर वो बंदा मूव कर रहा होगा तो आपको पता करना वो किस साइड दौड़ रहा है, तो जिस साइड वो दौड़ रहा होगा आपको उसी साइड ड्रैग करना होगा। जैसे मैं आपको फिर से ये रिवाइंड करके दिखा देता हूँ, तो जो बंदा है ये लेफ्ट साइड की ओर भाग रहा है तो मुझे भी लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग करना होगा। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो आप लोग रिवाइंड करके भी देख सकते हो थोड़ा। गाइज वन टैप मारने का सबसे इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आपको सीधा बंदे के खोपड़ी पे एम करके फायर कर देना है, बूम गाइज वन टैप लग जाएगा आपका बहुत ही ज़्यादा इजीली। तो गाइज ये है सबसे इजी ट्रिक, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो गाइज, लाइक करो। आई एम नूब। तो गाइज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप जब भी हेडशॉट मारने के लिए अपने फायर बटन को ड्रैग करिएगा उस टाइम आपको जॉयस्टिक को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो हेड लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि दो मूवमेंट एक साथ होंगे। तो बस गाइज आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपका इजीली हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से गाइज आप लोग हेडशॉट मार सकते हो। और ये तो मैंने आपको बता दिया डेजर्ट ईगल का, और बाकी गन्स का क्या होगा तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डेजर्ट ईगल से कैसे हेडशॉट मारना है, उसके बाद अभी बचा है वुड पिकर, SKS, ड्रैगनोब ये सब। तो गाइज ये सारे गन जो है ना एक ही टाइप के, तो आप लोगों ने जैसे डेजर्ट ईगल से मारना शुरू किया है मतलब डेजर्ट ईगल के लिए आपको जो जो स्टेप्स करना है वही सेम स्टेप्स आपको ये सारे गन्स के लिए भी करना है क्योंकि ये एक ही टाइप के गन है और एक ही टाइप से वर्क भी करते हैं, एक एक गोली फायर करते हैं ये सारे। तो गाइज आपको बस ये ट्रिक को फॉलो करना है और आपका हेडशॉट लगने लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रिक यूज़ करके आप लोग लगातार कितने सारे हेडशॉट मार सकते हो। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको हेडशॉट मारना है तो आपको ज़्यादातर दो ही गन का यूज़ करना है जिसपे इजीली हेडशॉट लग जाते हैं, वो है गाइज वुड पिकर और दूसरा डेजर्ट ईगल। ये दोनों गन बेस्ट है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप लोग ये दोनों गन को यूज़ कर सकते हो। ये गाइज बहुत ही ईजिली इससे हेडशॉट लगते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वुड पिकर से अभी कितने सारे हेडशॉट लगातार आपके सामने लाइव अभी मारे हैं। तो गाइज इस टाइप से जो है आप लोग हेडशॉट मार सकते हैं। और गाइज अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि कैसे ड्रैग करना है और वन टैप में कैसे मार रहा हूँ इतने सारे, तो गाइज आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हो। और गाइज आप लोग बस मेरे जो फायर बटन है ना उसको मैं किस साइड ड्रैग कर रहा हूँ और बंदा किस साइड भाग रहा है आपको बस इस पर फोकस करना है। और आप लोग दोबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। सो गाइज इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद सफ़ेद भाई और रियुक चचा भी आपसे पूछेंगे करते कैसे हो ये सब। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा क्योंकि मेरा फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा था और स्मूथ में करके मैंने रिकॉर्ड किया है तब भी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।
और गाइज आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो वीडियो भी बना के जरूर दूंगा। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।